Hello students, you are welcomed in RCI Education Hub. Today we are going to start a new topic. Last वाले topic के अंदर अपन ने बात की थी कि respiratory system जो है कौन कौन से organs से मिलकर consist हो रहा है. आज हम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो है organs का function क्या क्या होता है. लास्ट वाले के अंदर अपन ने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखा था कि जो है सबसे बाहर एक्सटर्नल नेज पाए जा रहे हैं, वी कैन से ओपनिंग ऑफ नोज, इसके जस्ट अबाउ जो है नेजल चैम्बर पाए जा रहे हैं. नेजल चैम्बर को फिर अपन ने तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया था. नंबर वन इज द वेस्टिबुलर, नंबर सेकंड इज रेस्पिरेटरी, नंबर थर्ड इज ऑल्फैक्टरी. ऑल्फैक्टरी के बाद में जो है इंटरनल नेरीज आ रहे थे. इंटरनल नेरीज के बाद में जो है नेसोफेरिंग्स आ रही थी. नेसोफेरिंग्स के जस्ट बाद में यहाँ पे लैरिंग्स आ रहा था. यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व लाइक इट इज़ पंचिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल के नीचे जो है ट्रैकिया पाई जा रही है. लॉन्ग ट्रैक जो है ट्रैकिया के जस्ट नीचे फर्दर ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दीज आर नोन एज ब्रोंकिया. नंबर वन इट इज फाउंडिंग टुवर्ड द राइट हैंड साइड एंड नंबर सेकंड इट इज फाउंडिंग इन टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड. देन ब्रोंकिया आर डिवाइडिंग कंटिन्यूसली, दे आर मेकिंग ए नेटवर्क. दोनों जो ब्रोंकिया है कंटिन्यूसली डिवाइड हो रही है, नेटवर्क फॉर्म कर रही है. बट वो नेटवर्क जो है लंग्स के अंदर फॉर्म हो रहा है. लंग्स जो है डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और जो लंग्स जो है दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं. मेम्ब्रेन आर कलेक्टिवली नोन एज प्लूरा. प्लूरा जो है इसकी मेम्ब्रेन होती है. दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो है स्पेस पाया जाता है, दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. उसके बीच में फ्लूइड भी पाया जाता है, दैट विल ऑल्सो डिस्कस. तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर. अपन ने देख लिया था कि जो है ओपनिंग जो एक्सटर्नल नेरीज है, फिर नेजल चैम्बर है और देन इंटरनल नेरीज. फिर आ रहा है नेसोफेरिंग्स. नेसोफेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ फेरिंग्स. अब बात करते हैं अपन लैरिंग्स की. लैरिंग्स को जो है अपन वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड. ये साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है. और इन अनदर वर्ड इट इज ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल. प्यूबेरिटी का भी एक साइन है कि जैसे ही प्यूबेरिटी आती है उसके अंदर जो है मेनली बॉयज के अंदर एडम्स एप्पल बाहर निकलने लग जाता है, थोड़ा दिखाई देने लग जाता है. अब ये जो लैरिंग्स है दिस इज प्रोड्यूसिंग साउंड. इट इज कंसिस्ट ऑफ फोर कार्टिलेज. चार कार्टिलेज का बना होता है. कार्टिलेज क्या होती हैं, दैट विल टॉक इन द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, उसके अंदर बात करने वाले हैं. कार्टिलेज क्या होती हैं, कार्टिलेज को वैसे जो है सॉफ्ट बोन भी बोलते हैं. ये चार कार्टिलेज से मिलकर कंसिस्ट होता है. नंबर वन इज ए थायरॉयड, नंबर सेकेंड इज क्रिकोइड एंड नंबर थर्ड इज एरेटिनॉइड. जो सबसे ऊपर पाई जा रही है दैट इज नोन एज थायरॉयड. और जो सबसे नीचे पाई जा रही है दीज आर नोन एज एरेटिनॉइड. और जो बीच में पाई जा रही है दैट इज नोन एज क्रिकोइड. तो जो सबसे ऊपर जो कार्टिलेज पाई जा रही है दिस इज मॉडिफाइंग और आफ्टर मॉडिफिकेशन इट इज फॉर्मिंग एपिग्लॉटिस. मॉडिफिकेशन के बाद में जो है यही एपिग्लॉटिस को फॉर्म कर रही है. इस तरीके से जो है लैरिंग्स चार कार्टिलेज से मिलकर कंसिस्ट होता है. और ये जो लैरिंग्स है इसके अंदर वोकल कोर्ड्स पाई जाती हैं. वोकल कोर्ड जैसे अपन एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सप्रेशन के अंदर जैसे अपन गैस को रिलीज करते हैं वोकल कोर्ड्स वाइब्रेट होती हैं. और जैसे ही वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं वाइब्रेशन से क्या होती है साउंड प्रोड्यूस होती है. साउंड प्रोडक्शन का जो फंक्शन होता है वो हमेशा एक्सप्रेशन के अंदर होता है. इंस्पिरेशन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है. वाई, बिकॉज इंस्पिरेशन के अंदर कभी भी वोकल कोर्ड्स वाइब्रेट नहीं करती है. वोकल कोर्ड्स हमेशा जो है एक्सप्रेशन के दौरान ही वाइब्रेट होती है और एक्सप्रेशन के दौरान ही साउंड प्रोड्यूस होती है. इसके बाद में जैसे ही अपन ने लैरिंग्स की बात कर ली, लैरिंग्स की बात करने के बाद में अब आ रहा है ट्रैकिया. ट्रैकिया के अंदर अपन देखते हैं ट्रैकिया जो है एक थोड़ा लंबा सा ट्रैक होता है. ऑलमोस्ट 10 to 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है. ट्रैकिया जो है ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है. एंड इसके अंदर जो है कार्टिलेजिनस फ्लैप पाए जा रहे हैं. सी शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है. सी शेप्ड स्ट्रक्चर क्यों पाई जाती है, जिससे कि कभी भी जो है ट्रैकिया कोलैप्स नहीं हो. कोलैप्स इन द सेंस कभी भी जो है ट्रैकिया के इनर वॉल्स जो है वो चिपके नहीं और किसी भी प्रकार से रेस्पिरेशन के अंदर दिक्कत नहीं है. ये आप डायग्राम के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हो. लाइक दिस इज द लैरिंग्स. लैरिंग्स के अंदर जो है वोकल कोर्ड्स पाई जा रही हैं. दी वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड. इसकी जस्ट नीचे जो है लंबा ट्रैक है, दैट लॉन्ग ट्रैक इज नोन एज ट्रैकिया. और ट्रैकिया की लेंथ जो है ऑलमोस्ट कितनी होती है 10 to 12 सेंटीमीटर. इसके अंदर जो सी शेप रिंग पाई जाती है, इनका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड कराना. इसके अलावा इसके अंदर जो सी शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है इनका नंबर ऑलमोस्ट 16 to 20 होता है. फर्दर आगे चलकर जो है ट्रैकिया दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड जाती है. एक ब्रांच तो जो है राइट लंग के अंदर एंट्री कर जाती है और दूसरी ब्रांच जो है लेफ्ट लंग के अंदर एंट्री कर जाती है. दैट यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इन द डायग्राम.
डायग्राम में भी इजीली दिख रहा है, वन इज मूविंग टुवर्ड द राइट लंग एंड अनदर वन इज मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट लंग. अभी जैसे ही ट्रैकिया डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद में अब उस जो आगे जो डिविजन्स हो गए उनको अपन ट्रैकिया नहीं बोलते हैं, दीज आर नेम्ड एज ब्रोंकियाए, उनको अपन ब्रोंकियाए बोलते हैं. वो ब्रोंकियाए भी कौन सी होती है, प्राइमरी ब्रोंकियाए, प्राइमरी ब्रोंकियाए सेकेंडरी ब्रोंकियाए के अंदर डिवाइड होती है. इसकी जो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं कि जो है ब्रोंकियाए नंबर के अंदर कितनी होती है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियाए नंबर के अंदर कितनी होती है, टर्शियरी ब्रोंकियाए नंबर के अंदर कितनी होती है, टर्शियरी ब्रोंकियाए फिर आगे चलकर किसके अंदर डिवाइड होती है, किस तरीके से नेटवर्क को फॉर्म करती है. इसके अलावा लंग की स्ट्रक्चर भी जो है अपन आगे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि लंग जो है कौन कौन सी मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाया जाता है, डायफ्राम का फंक्शन क्या होता है, दैट विल ऑल्सो डिस्कस इन द नेक्स्ट lecture. Thank you.